अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे SST। ठीक है, ये आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ये ठीक है, आपकी बुक का नाम है। पहले इसका हम क्या देखेंगे, कंटेंट देखेंगे। पहले सबसे पहले इसका आप सभी कंटेंट ओपन कर लिए और कंटेंट में PF फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं हम। ठीक है, कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए आपके PF फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। चार चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार चैप्टर आपके PF फर्स्ट में आ रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर सेकंड, द नॉर्थन माउंटेन, ये क्या है, पार्ट टू में करना है। हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे आज हम। तो पेज नंबर 11 ओपन करिए सभी लोग जल्दी से। पेज नंबर ओपन करिए 11। ठीक है, ये पेज नंबर 11 आप सभी लोग ओपन कर लिए और यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू, द नॉर्थन माउंटेन्स। यहाँ पर भी लिखेंगे आप सभी लोग, ये क्या है, ये पार्ट नंबर टू है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पार्ट टू, इसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर उस दिन की डेट लिख लीजिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ वेरी हाई एंड लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहे हैं कि देयर इज़ अ वेरी हाई एंड लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉन ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ आता है, ऊपर वाला हिस्सा, ऐसे इंडिया का जो मैप होता है इसमें नॉर्थ कहाँ आता है, नॉर्थ ये होता है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ईस्ट ये होता है, राइट, वेस्ट ये होता है और ये क्या होता है, साउथ। ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, जहाँ जो नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा, नॉर्थ वाला और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंची, वेरी हाई और लॉन्ग चेन्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा कतारों में, लाइनों में क्या है, माउंटेन्स की चेन्स हैं। कहाँ पर, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। दीज आर द हिमालयन माउंटेन रेंजेज, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेज, यानी हिमालय की माउंटेन रेंजेज। किसकी माउंटेन रेंजेज, हिमालय की। हिमालय मीन्स द अबॉड ऑफ स्नो। हिमालय क्या मतलब क्या है, अबॉड ऑफ स्नो। अबॉड किसे कहते हैं, घर, स्नो का घर। हिमालय माउंटेन को हम क्या कहते हैं, हिमालय को क्या कहते हैं, स्नो का घर, बर्फ का घर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, स्नो होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अबॉड ऑफ स्नो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दीज माउंटेन रेंजेस आर शेप लाइक एन आर्क एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। अब ये माउंटेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ ये बता रहे हैं, ये माउंटेन कहाँ से कहाँ तक है, शेप कैसा है, आर्क के शेप का। आर्क कैसा होता है, ये शेप का, इस शेप का। ठीक है, ये शेप होता है आर्क, ठीक है, तीर जो होता है हमारा, उस शेप का। और ये कहाँ से कहाँ तक है, एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर स्टेट से लेकर इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट से लेकर, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट से लेकर टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश तक, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ये क्या है, फैला हुआ है। फर्दर दीज हाई माउंटेन्स टर्न साउथवर्ड एंड आर नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल। और फिर ये साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं, ये साउथ की तरफ जाने लगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल कहते हैं हम इन्हें। उसके बाद दूसरा क्या है, दिस हिली एरिया इज नॉट वेरी हाई। और ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स वाला जो है, जो साउथवर्ड की तरफ मुड़ जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये छोटे होते हैं उनके मुकाबले। दिस हिली एरियाज आर नॉट वेरी हाई, मतलब ये वाले हिली एरियाज में इतने ऊंचे नहीं होते हैं जितने कि हमारे ये होते हैं। द माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय में, हिमालय के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसे, माउंट एवरेस्ट है उसका नाम, और वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो कहाँ पर है, हिमालय के अंदर। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय है, ये कहाँ पर है, चाइना और नेपाल के बॉर्डर में, यानी चाइना और नेपाल के बीच में है ये। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ थ्री पैलर रेंजेस दे आर। अब हिमालय के अंदर तीन पैलर रेंजेस है, ऐसे करके, मतलब पैलर ऐसे पहाड़ हैं, ये समझ लिए, पैलर क्या है, हिल की पैलर रेंजेस हैं वहाँ पर हिमालयाज में। क्या है उनके नाम, द ग्रेट हिमालयाज, पहला है एक ग्रेट हिमालयाज, उन्हें क्या कहते हैं, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा क्या है, द मिडिल हिमालयाज, जो बीच में आता है दोनों के, क्या है उसका, हिमाचल नाम है। तीसरा क्या है, द आउटर हिमालयाज, जो बिल्कुल ही आउट का है, बाहर का है, उसका क्या नाम है, शिवालिक। तो तीन क्या है, ये हिमालय की पैरेलल रेंजेस हैं ये।
क्या कहते हैं इन्हें, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालय। ग्रेटर हिमालय का नाम हिमाद्री, मिडिल हिमालय का नाम है हिमाचल, और आउटर हिमालय का क्या नाम है, शिवालिक। ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्री। अब जो ग्रेट हिमालयाज है या हिमाद्री जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये क्या है, इट इज़ द माउंटेन रेंज विच इज़ इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ये क्या है, ये वो माउंटेन की रेंज है, ये हिमालय की वो रेंज है, वो चट्टान है या वो ऊंचाई है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में है, बिल्कुल नॉर्थ में है, बिल्कुल आखिर के नॉर्थ में है पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेट हिमाद्री कहते हैं और ग्रेट हिमालयस कहते हैं। इट इज़ द हाइएस्ट रेंज एंड इट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये हिमालय की सबसे ऊंचाई वाली जगह है, सबसे ऊंचाई वाली पहाड़ी है, जिस पहाड़ है सबसे ऊंचाई का रेंज है, ठीक है। इसे हम, ये क्या है, पूरे साल क्या होता है, स्नो से यानी बर्फ़ से ढका रहता है पूरे साल, ठीक है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिसमें ये बर्फ़ से ना ढका हो, ये पूरे साल थ्रू आउट द एयर क्या होता है, बर्फ़ से कवर रहता है। देयर आर मैनी हाई पीक्स लाइक कंचनचंगा एंड अन्नापूर्णा इन इट। और ग्रेट हिमालयस के अंदर, हिमाद्री के अंदर जो सबसे हाई पीक है उनके, मैनी हाई पीक्स हैं, काफ़ी हाई पीक हैं, उनके कुछ नाम दिए हैं जैसे कंचनजंगा एंड अन्नापूर्णा। ये क्या है, हाई पीक के नाम हैं ग्रेट हिमालय के अंदर। स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स स्टार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन्स। और जो स्लो मूविंग रिवर कहते हैं हम आइस की, अगर आपने कभी देखा होगा जैसे टीवीज़ में दिखाते हैं या वैसे भी अगर आपने देखा होगा, तो क्या होता है जो हिमालय या पहाड़ी इलाकों में जो नदियाँ होती हैं, जो वो रिवर्स होती हैं, उसमें क्या होता है, बर्फ़ जो होती है वो नदी के ऊपर बह रही होती है, आइस बह रही होती है बर्फ़ के साथ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसी नदियों को ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस, बर्फ़ की हल्के हल्के बहती हुई नदियाँ, उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्लेशियर्स। स्टार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन, वो इसी माउंटेन से बहती हैं, इसी माउंटेन से बहती हुई आती हैं, ठीक है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स, और काफ़ी रिवर इसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब बनती हैं या ये कह लिए पैदा होती हैं। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स, इसी ग्लेशियर से, इसी ग्लेशियर से काफ़ी नदियाँ हमारी बनती हैं जो आगे जाके अलग अलग जगह पर फैल जाती हैं। जैसे सम ऑफ दीज रिवर्स आर इंडस, गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा। इन्हीं ग्लेशियर्स से कौन कौन सी रिवर निकल के आती हैं, जैसे इंडस, गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियाँ जो बाद में अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ बन गई हैं, ये कहाँ से आती हैं, इसी ग्लेशियर से बह के आती हैं, ठीक है। द गंगा स्टार्ट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, और जहाँ जहाँ से गंगा निकल के आती है उस ग्लेशियर को क्या कहते हैं हम, गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। एंड द यमुना स्टार्ट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स, और जहाँ से यमुना नदी निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12 ओपन करिए। द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल। अब मिडिल हिमालयाज क्या है और हिमाचल क्या है, इसे देखते हैं हम। मिडिल हिमालयाज क्या है, द मिडिल हिमालयाज लाइज टूवर्ड द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर पीछे, जो भी हमने पढ़ा है ग्रेटर हिमालयाज यानी हिमाद्री, तो ये हमारा जो मिडिल हिमालयाज है और हिमाचल जिसे हम कहते हैं ये कहाँ पर है, ये ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में आता है। ग्रेटर हिमालयाज के अगर हम साउथ में जाएंगे तो वहाँ क्या आएगा, मिडिल हिमालयाज आएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। मैनी हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड डलहौजी इन हिमाचल प्रदेश एंड अल्मोरा, नैनीताल एंड मसूरी इन उत्तराखंड लाई इन द लोअर स्लोप ऑफ दिस रीजन। अब इस रीजन के जो काफ़ी हिल स्टेशन के नाम बताए इन्होंने, जैसे कि यहाँ दिया है मैनी हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड डलहौजी। शिमला और डलहौजी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एंड अल्मोरा और नैनीताल कहाँ पर है, अल्मोरा, नैनीताल और मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये कहाँ पर पाया जाता है, उत्तराखंड। लाई ऑन द लोअर स्लोप ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के सबसे निचले स्लोप में, सबसे नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, किसके, हिमाचल के, ठीक है। हिमाचल और मिडिल हिमालयस के सबसे निचले हिस्से में ये सब पाए जाते हैं, अल्मोरा, नैनीताल और मसूरी। सम रिलीजियस प्लेसेस लाइक केदारनाथ एंड बद्रीनाथ ऑल्सो लाई इन दिस रीजन। और कुछ रिलीजियस यानी मजहबी जगह, रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस जगह हैं कुछ, जैसे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये भी इसी रीजन में आती हैं, इसी जगह पर आती हैं, इसी जगह पर मौजूद हैं। द माउंटेन स्लोप आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ डियोडर एंड पाइन। और जो माउंटेन स्लोप है, जो माउंटेन है, जो पहाड़ की चट्टाने हैं, जो स्लोप्स हैं उसकी ढलाने जो हैं वो किससे घिरी हुई हैं, वो थिक फॉरेस्ट से,
घने जंगलों से घिरी हुई है। कौन से जंगल हैं वो, किस चीज़ के जंगल हैं, किस चीज़ के पेड़ हैं, डेवडर एंड पाइन, पाइन और डेवडर के जंगल हैं वहाँ पर। कहाँ पर, माउंटेन की स्लोप पर, जिससे वो पूरा पहाड़ घिरा हुआ है। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पेयर्स पेयर्स आमंड्स एंड प्लम्स आर फाउंड इन द मिडिल हिमालयाज। और फल कौन कौन से मिलते हैं वहाँ पर, जैसे कि एप्पल या पेयर्स या आमंड, आमंड कहते हैं बादाम को, एंड प्लम्स, प्लम्स आर फाउंड इन द मिडिल हिमालयाज, ये मिडिल हिमालयाज में ही ये सारे फ्रूट्स मिलते हैं हमें। समर्स आर प्लेजेंट, और समर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्लेजेंट होता है, सुहाना जिसे कहते हैं, ठीक है, सुहाना होता है, बहुत मज़ेदार होता है। सो मैनी टूरिस्ट विजिट दिस रीजन इन समर, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट या जो टूर पे आते हैं लोग, बाग घूमने वाले आते हैं, वो यहाँ पर इस रीजन में समर में घूमने के लिए आते हैं। द आउटर हिमालयाज और शिवालिक, और अब आउटर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है। द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड द शिवालिक, जो हिमालय के फुट हिल है, मतलब जो सबसे निचला हिस्सा है हिमालय का, उसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक। सबसे ऊंचा कौन सा था हमारा, सबसे ऊंचा हमारा यहाँ था ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, ग्रेटर हिमालय सबसे उचला हिस्सा था, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊंचा। और बीच वाला कौन सा था, मिडिल हिमालय और हिमाचल, और सबसे निचला हिस्सा जिसे हम फुट हिल में आता है, हिमालय के फुट हिल्स में आते हैं, वो कौन सा है, शिवालिक, यानी आउटर हिमालयाज। शिवालिक हैव थिक फॉरेस्ट, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर होम ऑफ मैनी लाइन वाइल्ड एनिमल्स, और यही जंगल जो हैं बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का होम है, शेल्टर है। पीपल इन द शिवालिक्स प्रैक्टिसेस टेरेस फार्मिंग, और जो शिवालिक में लोग रहते हैं वो कौन सी फार्मिंग करते हैं, कैसी खेती करते हैं, कैसी खेती प्रैक्टिस करते हैं, वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, पहाड़ों की ढलान पर करी जाती है, ठीक है, सीढ़ियाँ बनाकर, ठीक है, उसे काट काट कर सीढ़ियाँ बनाते हैं, और सीढ़ियों पर फिर ढलान पर उसकी खेतियाँ करते हैं। सीढ़ियाँ इसलिए बनाते हैं कि अगर पानी हम उस पर डालें खेतों में, तो थोड़ा बहुत पानी मिल रुक जाए और पानी मिल जाए पौधों को। और अगर सीढ़ियाँ नहीं बनाएंगे, टेरेस नहीं बनाएंगे, टेरेस फार्मिंग टेरेस नहीं बनाएंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, वहाँ पर सारा पानी बह जाएगा, ठीक है, इसलिए टेरेस फार्मिंग की जाती है वहाँ पर, चट्टानों को काट काट कर। दे ऑल्सो रियर कैटल एंड ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल पियर प्लम एक्सेट्रा, और शिवालिक में और लोग वहाँ के क्या क्या करते हैं, वो जो है रेयर करते हैं कैटल, कैटल कहते हैं चार पैर वाले जानवर, ठीक है, जो कि हमारे काम आते हों, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी और घोड़े, ये सब क्या हैं, कैटल्स में आते हैं, जो घास खाते हैं, इनकी क्या करते हैं, ये इन्हें चराते हैं, मतलब इन्हें पालते हैं, इनकी रेयरिंग करते हैं, एंड ग्रो फ्रूट्स, और फल उगाते हैं, जैसे कि एप्पल पियर प्लम एक्सेट्रा, और बहुत से फल भी उगाते हैं, ठीक है, तो इनका ये काम हो गया। द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक आर कॉल्ड तिराई, और जो शिवालिक का सबसे निचला हिस्सा है, जो शिवालिक का सब फुट हिल है, उसे हम क्या कहते हैं, तिराई कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हेयर हैव बीन कट एंड द लैंड इज़ यूज फॉर फार्मिंग, और यहाँ के जंगल जो हैं उन्हें काट कर उनका ग्राउंड बनाया गया, किस लिए, कि उससे फार्मिंग के लिए, उस ज़मीन को, उस लैंड को खेती के लिए यूज़ कर पाएँ, इसलिए उस वहाँ के फॉरेस्ट को काटा गया कि वहाँ की फार्मिंग के लिए लैंड को यूज़ कर पाएँ। Our government has developed many wild sanctuaries and national park in this region. और हमारी जो government है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर बहुत सारी wild sanctuaries, wild life sanctuaries, मतलब जंगली जानवरों की सेफ्टी के लिए वहाँ पर कुछ एरिया बना दिया गया है, कुछ wild life sanctuaries बना दी गई हैं, and national park in this region, और कुछ national park बनाए गए हैं। National park और wild life sanctuary किस लिए बनाई जाती हैं, कि वहाँ पर एक ऐसा एरिया बनाया जाता है, wild life sanctuary और national park ऐसा एरिया होता है जहां पर जंगली जानवरों को सेफ कर कर रखा जाता है कि कोई उनका शिकार ना कर पाए, ठीक है, और सारी चीजें उन्हें हम और प्रोवाइड की जाती है कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। तो यहां पर शिवालिक में ऐसे कई नेशनल पार्क हैं और क्या है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, और जो शिवालिक में, जो इंडिया उत्तराखंड में, हाँ, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में सबसे पहला इंडिया का नेशनल पार्क था। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था वो हिंदुस्तान का, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, ठीक है, और अब भी है, मतलब है, सबसे पहले यही बनाया गया था। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13 ओपन करिए। लाइफ इन द नॉर्थन माउंटेन्स, अब वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की लाइफ के बारे में बताएंगे, नॉर्थन माउंटेन की लाइफ के बारे में, कि कैसी ज़िंदगी है वहाँ पर, कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं लोग बाग। जम्मू एंड कश्मीर
जम्मू जम्मू एंड कश्मीर बताया है इन्होंने, नॉर्थ एंड माउंटेन में जम्मू एंड कश्मीर आता है ना, तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्या है ये? जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑलमोस्ट माउंटेन। जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पूरी तरह से माउंटेन है, माउंटेनियस है, पहाड़ी इलाका है। इट इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। और ये किस नाम से जाना जाता है जम्मू और कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर को हम अर्थ की दुनिया, मतलब अपनी धरती की क्या कहते हैं? जन्नत के नाम से जानते हैं। पैराडाइज ऑन द अर्थ, जन्नत कहते हैं धरती की, अर्थ की पैराडाइज यानी जन्नत, ठीक है? पैराडाइज ऑन द अर्थ, अर्थ पर इसे जन्नत कहा जाता है। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। और जम्मू एंड कश्मीर में दो कैपिटल हैं, मैं अभी ये पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, जम्मू एंड कश्मीर की कितनी कैपिटल्स हैं? दो, श्रीनगर और जम्मू। तो श्रीनगर कब मानते हैं कैपिटल ये लोग? समर के मौसम में श्रीनगर को क्या मानते हैं? कैपिटल मानते हैं। और जम्मू को कब मानते हैं कैपिटल? विंटर में। विंटर कैपिटल कौन सी है इनकी? जम्मू इस स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है? इट इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड सेफ्रॉन कल्टिवेशन। ये जगह जो है जम्मू एंड कश्मीर किसके लिए है मशहूर? अपनी एप्पल के लिए, अपनी एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए और सेफ्रॉन की कल्टिवेशन के लिए, सेफ्रॉन की खेती के लिए। मेन एंड वुमेन वेयर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल फिरन एंड सलवार। यहाँ के आदमी और औरत लंबे लंबे क्या पहनते हैं? वुलन, ऊनी दार कुर्ते, ऊनी कुर्ते पहनते हैं, गर्म कुर्ते। क्यों? क्योंकि ये ठंडा इलाका है इसलिए। कॉल फिरन, जिन्हें हम क्या कहते हैं कुर्ते को? फिरन। एंड सलवार, और सलवार पहनते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग विंटर दे यूज़ कांगरी टू कीप देमसेल्फ वार्म। और ठंड के सीज़न में, विंटर सीज़न में ये क्या करते हैं? ये जो है कांगरी यूज़ करते हैं टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। कांगरी एक होता है जिससे ये अपने आप को गर्म रखते हैं, ठीक है? उसे यूज़ करते हैं ये लोग। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर श्रीनगर, सॉरी ये वाला एक पॉइंट है, और पीपल ड्रिंक कावा, अ स्पेशल टाइप ऑफ टी। और ये ठंड में कौन सी ड्रिंक पीते हैं? कहवा पीते हैं। स्पेशल टाइप की ड्रिंक मानी जाती है यहाँ की, स्पेशल टाइप की चाय मानी जाती है, स्पेशल चाय मानी जाती है। क्या है ये? इसका नाम क्या है? कहवा। सम प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर श्रीनगर, गुलमर्ग, अमरनाथ एंड लद्दाख। अब यहाँ के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, मतलब जो लोग बाग घूमने वाले होते हैं, जो उनकी पसंदीदा जगह हैं, कौन सी है उनके अट्रैक्शंस के लिए, कौन कौन सी जगह हैं? जैसे कि श्रीनगर, गुलमर्ग, अमरनाथ एंड लद्दाख, ये क्या हैं? टूरिस्ट अट्रैक्शंस की प्लेसेज हैं। हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश भी यहीं आता है नॉर्थ एंड माउंटेन में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। हिमाचल प्रदेश इज़ लैंड ऑफ एटर्नल स्नो पीक। हिमाचल प्रदेश, एटर्नल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, तो हिमाचल प्रदेश किसे कहा, को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ एटर्नल स्नो पीक, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली स्नो पीक की ज़मीन, ठीक है? बर्फीली जमीन, बर्फीली चट्टानों की कभी ना ख़त्म होने वाली ज़मीन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर इतनी बर्फीली चट्टानें और ज़मीन आपको वो मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे कि पूछिए मत। तो इसलिए शिमला इज़ इट्स कैपिटल। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। द मोस्ट फेमस रिवर्स फ्लोटिंग इन हिमाचल प्रदेश आर द चिनाब, रवि, सतलज एंड बीज। और जो बहुत ज़्यादा फेमस रिवर हैं, मशहूर रिवर हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, उनके नाम क्या हैं? चिनाब, रवि, सतलज और बीज, ये क्या हैं? मशहूर रिवर के नाम हैं, मशहूर नदियों के नाम हैं। मोस्ट ऑफ़ द पीपल ऑफ हिमाचल आर फार्मर। और जो हिमाचल के जो काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग क्या हैं? किसान हैं, फार्मर्स होते हैं यहाँ के लोग। दे ग्रो राइस, मेज, बारले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और ये क्या उगाते हैं, किस चीज़ की खेती करते हैं? चावल की, राइस की, मेज़ की, और बारले, और फलों की, फ्रूट्स की, और सब्जियों की, ठीक है? एनिमल्स रेयरिंग इज़ ऑल्सो पॉपुलर। और यहाँ की एक और चीज़, एक तो ये खेती करते हैं, फार्मर्स हैं, और जानवरों को चरवाने वाले और रेयरिंग करने वाले, मतलब जानवरों को पालने वाले भी बहुत हैं यहाँ पर। रेयरिंग ऑफ एनिमल इज़ ऑल्सो पॉपुलर, यहाँ पर जानवरों की पालना जो है ये भी एक पॉपुलर काम है, जानवरों को पालना। पीपल रेयर शीप एंड गोट्स। यहाँ के जो पीपल लोग बाग होते हैं वो किससे पालते हैं ज़्यादातर? शीप और गोट्स को, बकरी और भेड़ों को। वुलन कारपेट, ब्लैंकेट्स, रग्स एंड शॉल्स आर वोवन हेयर। जो ऊनी कारपेट होते हैं और जो ब्लैंकेट्स होती हैं या रग्स होते हैं या शॉल जो होते हैं, जो शॉल पहनते हैं वो शॉल, और ये क्या है यहाँ पर? वोवन होती हैं, मतलब बुनी जाती हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब यहाँ पर बुनी जाती हैं, वोवन होती हैं। पीपल वेयर वेरी कलरफुल क्लोथ्स। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं।
द एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स ऑफ हिमाचल आर वेरी फेमस, और एम्ब्रॉयडर मतलब बुना हुआ, हाथ से ही बनाया हुआ यहाँ का जो कैप है, हाथ से बनाया हुआ कैप जो होता है हिमाचल का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर उसका आया नेक्स्ट आया उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड इज़ अ रीजन ऑफ हिल्स एंड स्नो कैप माउंटेन। उत्तराखंड क्या है, ये भी जो है रीजन ऑफ हिल्स, पहाड़ों का रीजन, पहाड़ों का इलाका कहा जाता है, पहाड़ों का इलाका है, एंड स्नो कैप माउंटेन, और बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट्स द घरवार एंड कुमाऊँ हिल, और इसके अंदर और क्या शामिल है, घरवाल और कुमाऊँ हिल भी शामिल है, इसके अंदर घरवाल और कुमाऊँ हिल भी मौजूद है। देहरादून इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल सिटी क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल सिटी कौन है उत्तराखंड की, देहरादून। फार्मिंग इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ दिस प्लेस, और यहाँ की जो मेन इकोनॉमिक मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग बाग अपने इकोनॉमी के लिए जो काम करते हैं, ऑक्यूपेशन है उनका, जो एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है, खेती बाड़ी है। मसूरी, नैनीताल एंड अल्मोरा, मसूरी, नैनीताल और अल्मोरा जो है ये नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14 ओपन करिए, आर अल्मोरा द पॉपुलर हिल स्टेशन, ये क्या है, पॉपुलर हिल स्टेशन है यहाँ के, ठीक है। अदर फेमस टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस, अदर फेमस टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस इंक्लूड हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड रानीखेत, और ये जो अदर फेमस फेमस टूरिस्ट यानी जहाँ पर टूर करने के लिए आते हैं लोग, बार टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए आते हैं, जो वो फेमस जगहें और पिलग्रिम प्लेसेस जो हैं उसमें क्या क्या है, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और रानीखेत, ये क्या है, फेमस टूरिस्ट और पिलग्रिम प्लेसेस हैं। सिक्किम, सिक्किम भी इसी में आता है नॉर्थर्न पार्ट में, तो इससे पढ़ेंगे हम, द वर्ड सिक्किम हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड सिक्किज्म मीनिंग हैप्पी होमलैंड, होमलैंड। जो वर्ड सिक्किम है ये नाम कहाँ से पड़ा, सिक्किम जो नाम पड़ा है ये पड़ा है सिक्किज्म वर्ड से, और इसका मीनिंग होता है हैप्पी लैंड, खुशी वाली, मतलब खुशहाल ज़मीन, खुशी वाली ज़मीन जहाँ पर खुशियाँ हो, ऐसी ज़मीन जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिक्किज्म, और सिक्किज्म से ही इसका नाम दे दिया सिक्किम, ठीक है। सिक्किम इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ठीक है। इंडिया का नॉर्थ कौन सा है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है, फिर ईस्ट, यहाँ क्या है, वेस्ट है, फिर यहाँ क्या है, साउथ, तो ये वाला हिस्सा, ये इन दोनों के बीच वाला हिस्सा क्या कहता है, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर है सिक्किम इस जगह पर इंडिया के, ठीक है। तो क्या है, सिक्किम इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया, कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस लाइज इन सिक्किम, जो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो हिमालय की है, जो तीसरी हाईएस्ट पीक है वो क्या है, कंचनजंगा, और वो कहाँ पर है, सिक्किम में ही आती है, ठीक है। गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। द वर्ड गैंगटॉक मीन्स फ्लैटेंड हिल, और जो वर्ड है गैंगटॉक इसका मीनिंग क्या है, फ्लैटेंड हिल, मतलब चिपटे चिपटे पतले पतले लंबे लंबे पहाड़, चिपटे हुए पहाड़, फ्लैटेंड हिल इसका मीनिंग है गैंगटॉक का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हेयर आर बुद्धिस्ट, और जो बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ के क्या हैं, बुद्धिज्म हैं, बुद्धा को मानने वाले, यानी बुद्धिज्म रिलीजन से हैं, ठीक है, बुद्धिज्म है। रामटेक मोनास्ट्री इज अ लैंडमार्क ऑफ सिक्किम, और जो रामटेक मोनास्ट्री है वो क्या है, सिक्किम की लैंडमार्क है, सिक्किम की ज़मीन है, ठीक है, लैंडमार्क ऑफ सिक्किम, जो लैंडमार्क रामटेक मोनास्ट्री है, ठीक है। द मास्क डांस ऑफ सिक्किम इज़ वेरी फेमस, और यहाँ का एक डांस है बहुत ज़्यादा जो फेमस है, कौन सा डांस है, डांस कौन सा है, वो मास्क डांस, जो मास्क पहन के करते हैं, ठीक है, मास्क डांस। फिर क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बताएंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया लाइज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टेट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 7 स्टेट आती हैं, ग्रुप 7 स्टेट्स के ग्रुप हैं, उनके नाम क्या हैं, दी 7 स्टेट्स आर नोन एज 7 सिस्टर, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। और ये स्टेट किस नाम से जाती हैं, 7 बहनों के नाम से, 7 सिस्टर्स के नाम से, किसके नाम से, 7 सिस्टर्स के नाम से मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। पहली कौन सी है, उसमें एक कौन सी है, आसाम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, और क्या है यहाँ पर है, मणिपुर है, ऐसी मिजोरम है, ठीक है, तो ये 7 हैं ऐसे ही। तो अब हम पढ़ेंगे पहले आसाम, आसाम क्या है,
आसाम रिवर ब्रह्मपुत्र हैज मेड आसाम वेरी फर्टाइल। आसाम जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं, बहुत फर्टाइल ज़मीन है। और ये किस वजह से है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आसाम से ही गुजरती है, तो इसकी वजह से वहाँ की जो वो है ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है, खेती बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स, और वहाँ पर राइस और जूट जो है मेन क्रॉप है, मतलब सबसे ज़्यादा उगने वाली क्रॉप है, सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है यहाँ पर, राइस और जूट की। टी इज़ ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द हिल, और यहाँ के जो सबसे निचला हिस्सा होता है, पहाड़ी इलाके का सबसे निचला हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या उगाते हैं, आसाम में क्या उगाते हैं, टी यानी चाय जो होती है, चाय पत्ती जिसे हम कहते हैं। डिसपुर इज़ द कैपिटल एंड गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी, और डिसपुर क्या है, आसाम की क्या है, कैपिटल है, आसाम की कैपिटल क्या है, डिसपुर। और गुवाहाटी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, आसाम की में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, गुवाहाटी। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक आसामीज, दे सेलिब्रेट बिहू, और यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो आसामीज़ बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन सा सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार, इनका त्यौहार है बिहू, जिसमें ये डांस करते हैं एक तरह से, बिहू फेस्टिवल ऑफ आसाम, ये क्या है, आसाम का एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अब देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश भी इन्हीं सेवन सिस्टर्स में ही एक है, इसमें क्या है, द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अब जो ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है, जो आसाम से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो कहाँ से आती है, इंडिया के अंदर कहाँ से एंटर होती है, इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से पहले एंटर होती है, फिर बाकी जगह पर जाती है। द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ ईटानगर, और जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन है, क्या है, ईटानगर। ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। द पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर लाइवलीहुड्स, और यहाँ के जो लोग हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, या ये कह लिए कौन सा उनका काम है, क्या ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करते हैं, और जो जंगलात के प्रोडक्ट होते हैं, जो जंगल से चीज़ें मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स और वुड लकड़ी और मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो जंगली जंगल से मिलती हैं, ये अपनी लाइवलीहुड के लिए, ज़िंदगी के लिए इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन सब चीजों को यूज करते हैं। अब आया त्रिपुरा, त्रिपुरा भी इन्हीं में आता है, ठीक है, सेवन सिस्टर्स में। त्रिपुरा में क्या है, जूट रबर एंड बैम्बू आर ग्रोन इन त्रिपुरा, जूट रबर और बैम्बू जो होता है, जूट प्लांट, जूट क्या है, जूट जो है, और जूट की खेती होती है यहाँ पर, रबर मिलता है यहाँ पर, रबर मिल जाती है त्रिपुरा में, और बैम्बू जो होता है, बांस जो होता है, वो कहाँ पर उगता है, त्रिपुरा में। ये तीनों चीजें उगाई जाती हैं, और भी बहुत सी चीजें उगाई जाती हैं। बैम्बू इज़ यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट, और यहाँ पर ये जो बैम्बू उगाते हैं, ये बैम्बू किस लिए यूज़ करते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए। हैंडीक्राफ्ट किसे कहते हैं, आपने देखा होगा बैम्बू जो होती है, बांस होती है, उससे छोटी छोटी टोकरियाँ और छोटी 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 बास्केट्स बनाई जाती हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट होती हैं। हैंडीक्राफ्ट कहते हैं हाथ से बनाई हुई चीज़, ठीक है, हाथ से बनाई हुई चीज़, हाथ से क्राफ्ट की हुई चीज़, तो उन्हें कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो ये बैम्बू जो है यहाँ के लोग यूज़ करते हैं हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए। पीपल मोस्टली स्पीक बंगला एंड कोकबोरोक, यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बंगला लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कोकबोरोक लैंग्वेज, ये इनकी लैंग्वेज है, जो यहाँ पर लैंग्वेज जो अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं बोलने की, ठीक है। नेक्स्ट, अगरतला एंड उनाकोटी अट्रैक्ट टूरिस्ट थ्रू आउट द एयर, और जहाँ यहाँ की जो जगह है अगरतला और उनाकोटी, ये क्या है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है पूरे साल, ये इतनी, ये यहाँ की खूबसूरत जगह है, जहाँ पर टूरिस्ट जो टूर पर लोग बाग जाते हैं वो यहाँ पर घूमने जाते हैं। क्या है इस जगह का नाम, अगरतला एंड उनाकोटी। नेक्स्ट क्या है, नागालैंड। अब नागालैंड क्या है, नागालैंड कहाँ है, नागालैंड ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ़ ट्राइब्स, नागालैंड के अंदर भी बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है, ट्राइब्स होते हैं जो इधर उधर लोग बाग रहते हैं, कस्बे, ये के लिए जो पहले लोग होते थे ट्राइब्स में रहते थे अपने, ठीक है, छोटे छोटे अपने ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स मिल जाते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स वेयर शॉल्स, और डिफरेंट ट्राइब्स के लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के शॉल्स पहनते हैं, वेयर शॉल्स, शॉल कहते हैं जो शॉल जो पहनते हैं ठंड में, ठीक है, वेयर मतलब पहनना। यहाँ के जो अलग अलग ट्राइब के जो अलग अलग जगह जो ट्राइब होता है, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनके अलग अलग ग्रुप होता है, और उनके जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शॉल पहनते हैं विद डिफरेंट पैटर्न, जो कि अलग अलग पैटर्न के होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। क्यों पहनते हैं ये अलग अलग डिज़ाइन के, द डिज़ाइन के ऑन द शॉल्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्राइब्स टू विच दे बिलोंग।
अब ये अलग अलग डिज़ाइन के शॉल इसलिए पहनते हैं कि जो एक ट्राइब का होगा वो सेम तरह के पैटर्न होंगे उनके, ठीक है, और जो दूसरे ट्राइब का होगा उनके अलग सार उन सब ट्राइब के लोगों के सेम तरह के शॉल्स होंगे। तो इंसान आपस में जो अलग अलग ट्राइब के लोग हैं वो एक दूसरे को पहचान जाएं कि ये उस ट्राइब का है या हमारे ट्राइब का है, इसलिए ये सेम तरह के अपने जो एक ट्राइब के लोग हैं वो अपने सेम पैटर्न के क्या पहनेंगे, शॉल पहनेंगे, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को पहचान जाएँ। मतलब एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड जैसे हम बनाते हैं कि हम सिक्स क्लास में, तो सिक्स क्लास का आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो इसी तरह से ये अलग अलग शॉल यूज़ करते हैं अलग अलग ट्राइब को पहचानने के लिए। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज कोहिमा, और नागालैंड की कैपिटल क्या है, इस स्टेट की कैपिटल क्या है, जल्दी बताइए क्या है, कोहिमा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर एंड दे ग्रो राइस, और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं क्या हैं, फार्मर हैं, और क्या उगाते हैं, राइस, मेज, मिलेट्स एंड ऑरेंजेस, और यहाँ पर ऑरेंजेस बहुत हैं, संतरे यहाँ पर मिल जाते हैं, मेज, राइस और मिलेट्स, यहाँ की इन सब चीज़ों की खेती होती है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आया मणिपुर। मणिपुर क्या है, जगह है, ये भी सेवन सिस्टर्स में ही एक आती है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, ठीक है। वैरायटी ऑफ फ्रूट सच एज लीची, चीज नट, चेस्टनट, वॉलनट, पपाया एंड पैशन फ्रूट आर ग्रोन इन मणिपुर। बहुत तरह तरह के फ्रूट यहाँ मिल जाएंगे आपको, बहुत वेराइटीज़, जैसे कि लीची या चेस्टनट या वॉलनट या पपाया या पैशन फ्रूट, ये कहाँ पर उगते हैं, ये सब मणिपुर में मिल जाते हैं, यहाँ पर मणिपुर में ये सब उगाए जाते हैं। क्राफ्टमैन मेक आर्टिकल फ्रॉम बैम्बू, केन एंड लेदर, और यहाँ के जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो क्राफ्ट करने वाले होते हैं, जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्टमैन कहते हैं उन्हें, ठीक है, वो किस चीज़ से आर्टिकल्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, किससे, बैम्बू से, बांस से, केन से, जो गन्ना होता है उससे, केन, ठीक है, शुगर केन जो होता है, ठीक है, एंड लेदर, लेदर से, चमड़े से, काफ़ी यहाँ पर क्या बनते हैं, क्राफ्ट किए जाते हैं, ठीक है। द मणिपुर डांस इज़ वेरी पॉपुलर, और यहाँ का जो डांस है वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्या है, इम्फाल एंड उखरुल अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, और जो इम्फाल और उखरुल यहाँ पर ये दो जगह हैं, ये क्या करते हैं, ये सबसे बहुत, ये जो है बहुत खूबसूरत जगह है मणिपुर की, कौन सी, इम्फाल एंड उखरुल, तो यहाँ पर टूरिस्ट, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, मतलब मोहित करती है, प्यारी जगह है, अच्छी जगह है, तो यहाँ पर टूर के लिए लोग बाग जाना पसंद करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज, अब हमने हिमालयाज के बारे में इतना पढ़ लिया, तो उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, हम इतना पढ़ के रहे हैं उसके बारे में क्यों जान रहे हैं हम, क्या ऐसी खूबी है या खासियत है उसकी। द हिमालयन माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा मुल्क है, हमारे लिए उस हिमालय की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कीमत है, क्यों, हमारे लिए इतना यूजफुल क्यों है, ये हमारे लिए इतना इस्तेमालदेह क्यों है, या हमारे लिए इसकी इतनी कीमत क्यों है, इन मैनी वेज, कई तरीकों से, कैसे, सम ऑफ देम आर, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके बारे में बताया, कैसे हिमालय हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कैसे हमारे लिए इस्तेमालदेह है। पहला पॉइंट क्या है, दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल और बैरियर अलॉन्ग द नॉर्थन बॉर्डर्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी, तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, कि ये कह रहे हैं ये जो हमारा हिमालय है वो इंडिया को, यानी हमारा जो, हमारी जो कंट्री है, हमारे देश को, उसके लिए एक वॉल बनाता है, नेचुरल वॉल बनाता है, ठीक है, और बैरियर बनाता है, ठीक है, एक दीवार बनाता है और बैरियर बनाता है, ठीक है, किसके, कहाँ पर, अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर, हमारा जो नॉर्थन पार्ट है इंडिया का, इस तरह से है ना, यहाँ पर इस तरह से है ना इंडिया का, इस तरह से, तो यहाँ पर जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर हिमालय आता है पूरा इस तरह से, तो यहाँ पर हमें बॉर्डर बन जाता है हमारा, हमारी एक दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे हमारी दूसरी कंट्रीज से सेफ्टी भी रहती है और बाकी चीज़ें भी रहती हैं जो भी बता रहे हैं हम। नॉर्थन बॉर्डर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉर्डर्स, और हमारे बॉर्डर को ये प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थन एशिया, और जो नॉर्थ से, एशिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है, एशिया, ये मान लीजिए एशिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे में क्या है हमारा, इंडिया है, एशिया के अंदर हमारा इंडिया है, और बाकी बहुत से ऐसे हमारे क्या है, कंट्रीज़ हैं, तो एशिया, जो बाकी एशिया की जो जगह है, वहाँ से ठंडी, जो चिलिंग कोल्ड विंड आती हैं, ठीक है, उससे आने से रोकता है इंडिया के अंदर ये हिमालय, इतना ऊंचा है ये कि वो उस विंड को रोक देता है, ठंडी हवा को रोक देता है, कहाँ से आती है, जो नॉर्थन एशिया से, नॉर्थ वाले, एशिया के नॉर्थ पार्ट से। द रिवर गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज,
और जो रिवर है, जो नदियां हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा, ये कहाँ से आती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ओरिजिनेट मतलब पैदा होना या शुरू होना, कहाँ से बनती हैं? ये हिमालय से बनती हैं। कैरी फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन, और हमारे इंडिया के प्लेन पर ये वहाँ से फर्टाइल उपजाई उपजाऊ यानी खेती, अच्छी खेती करने वाली जो सॉइल होती है वो बहा के लाती है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया क्या है, एक फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छी खेती हो पाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, द रनिंग वाटर ऑफ द रिवर्स हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो यहाँ का बहता हुआ पानी है तेज़ बहाव की वजह से इसके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा कर देते हैं, बिजली पैदा करते हैं। क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो विंड मिल आपने देखे होंगे, ऐसे ही मिल बनाए जाते हैं, विंड मिल पंखे जिन्हें कह सकते हैं आप, बड़े बड़े, वो क्या होता है, जब पानी गिर रहा होता है ऊंचाई से तो वहाँ पर लगा दिए जाते हैं, फिर पानी के गिरने की वजह से वो पंखे घूमने लगते हैं, और पंखों में क्या करते हैं, वायर कनेक्ट कर देते हैं, और फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पंखे घूमते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी होती है पानी के बहाव की कि पंखे बहुत तेज़ घूमते हैं, वो जो विंड होते हैं, जो ये विंड जो मिल होते हैं वो बहुत तेज़ घूमते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जनरेट करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। अब ये बिजली पानी से पैदा हो रही है इसलिए हम कह रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पानी से पैदा होने वाली बिजली। फिर सेकेंड पॉइंट, लास्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, द हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल वुड, मैनी मेडिकल हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स, रेजिन्स, हनी एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जो हिमालय के जो जंगल हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, बहुत तरह तरह की लकड़ियां हमें प्रोवाइड करते हैं, वुड, और मैनी मेडिकल यानी मेडिकल हर्ब्स, यानी कुछ मेडिकल हर्ब्स जो हमें दवाओं में हर्ब्स यूज़ होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं, और रेजिन्स है, हनी है, शहद है, एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और काफ़ी जंगलों के प्रोडक्ट हमें ये हिमालय फॉरेस्ट से मिलते हैं। इट इज़ द नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसोरस एंड वाइल्ड याक एंड मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड, और ये क्या है, एक कुदरती होम, कुदरती घर है ये, किसका, वाइल्ड एनिमल का, जंगली जानवरों का एक ये क्या है, घर है, जैसे कि स्नो लेपर्ड का या टाइगर का या राइनोसोरस का या वाइल्ड याक का और मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, और काफ़ी तरह की चिड़ियाँ यानी बर्ड्स इसमें रहती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है हमारा। अब नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज देखिए क्या है, हमारे टिक द करेक्ट हैं, ये हमें आपको किस में करनी है, बुक में करनी है बच्चों ये, और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपको बुक में करनी है, और हमारी ट्रू फॉल्स हैं ये भी आपको बुक में करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो हमें कॉपी में करना है वो क्या करना है, हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी हमें बुक में करना है, नेम एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से हमें किसी तीन का बताना था मगर हमने ये सारे बताए क्योंकि एग्जाम में आपके कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें बुक में करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम टिक द करेक्ट से, ये हमें बुक में ही करना है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, जो हिमालय की सदर्न मोस्ट रेंज है वो कौन सी है, हिमाचल है, हिमाद्री है या शिवालिक है, तो कौन है, शिवालिक, शिवालिक क्या है, हमारी सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, हिमालय की सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, शिवालिक है, तो इस पर आप टिक कर लिए सभी बच्चों, जल्दी से इस पर टिक कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू इसका, द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ, जो पहाड़ का जो स्लोप है, जो ढलाने हैं, चट्टाने हैं ये कह सकते हैं, वो किससे कवर्ड है, किससे ढकी हुई है, थिक फॉरेस्ट, किस चीज़ के, मतलब किस घने जंगलों से भरी हुई है, किस से कवर है, तो किससे है, पाइन से, फिर से नहीं है, ठीक है, यहाँ पीछे अब हमें आपको पढ़ाया था, यहाँ पर इट यहाँ पर है, ठीक है, ये ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, ये कहाँ, पाइन से ढकी हुई है, FIR ये जो फिर है इससे नहीं ढकी हुई है, ठीक है, किसके फॉरेस्ट पाए जाते हैं अपर माउंटेन में, पाइन के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आप इस पे ए पर टिक कर लिए। उसके बाद थर्ड क्या है, पीपल ड्रिंक कहवा आ स्पेशल टाइप ऑफ टी, और यहाँ के लोग क्या पीते हैं, जो यहाँ की स्पेशल चाय बताई जाती है, क्या पीते हैं, कहवा, कहाँ पर पीते हैं, उत्तराखंड में या आसाम में या जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर की स्पेशल चाय मानी जाती है कावा, यहाँ के लोग ये पीते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर टिक करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर पे, सी पार्ट। फोर्थ क्या है, द कंट्री इन विच माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इज, जो वो कंट्री बताओ जहाँ पर माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो बच्चों माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चाइना के बॉर्डर में पाया जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में पाया जाता है, तो आप इस दोनों पे टिक कर लिए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे पाया जाता है, ये यहाँ पर आपको देखिए शुरुआत में ही ये लिखवाया है यहाँ पर बुक में, मगर ऑप्शन में इन्होंने अलग अलग कर दिया है।
देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल एंड चाइना, ये कह रहे हैं ना, द माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इट इज लाइज इन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना। माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलता है? बॉर्डर में, बिटवीन नेपाल एंड चाइना, चाइना और नेपाल के बीच में है ये अब माउंट एवरेस्ट। और यहाँ ऑप्शन में इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दे दिए, तो ठीक है, तो ये आप दोनों ही टिक कर लिए, नेपाल एंड चाइना ये दोनों में है, दोनों के बीच में आता है, तो थोड़ा हिस्सा इसके में आता है, थोड़ा हिस्सा इसके में आता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो है बी एंड सी दोनों एक साथ लिख दिएगा, ठीक है, नेपाल एंड चाइना करके सिर्फ एक ऑप्शन बनाइएगा बी, ठीक है, नेपाल एंड चाइना करके, तो इस पे आप दोनों पे टिक कर दिएगा। ये आपको तो ये बुक में ही करना है, तो आप इन्हीं दोनों पे टिक करके रहने दिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस आर कॉल्ड, जो हल्के हल्के बर्फ की बहती हुई नदियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स। यहाँ पर स्पेलिंग दी है ग्लेशियर्स की, यहाँ मैंने फर्स्ट भी लिख दिया है, आप देख लिए फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड क्या है, द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया की सबसे हाइएस्ट ऊंची पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, देखिए ये क्या है, सेकेंड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह कम है तो थोड़ा साफ नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है माउंट एवरेस्ट, इसे आप देख लीजिएगा। फिर थर्ड क्या है, द गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री, गंगोत्री भी यहाँ लिखा है बच्चों, यहाँ जगह बहुत कम है तो सफाई से नहीं आ पा रहा, तो ये थर्ड है आपका, ठीक है, ये है आपका थर्ड गंगोत्री, यहाँ आप देख लीजिए। फिर शिमला, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है, ये हमारा क्या होगा फोर्थ। द पीपल ऑफ असम सेलिब्रेट, जो असम के लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, बिहू, बिहू इनका त्यौहार है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखिए, ये ट्रू फॉल्स क्या कह रहे हैं, ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, क्या करना है हमें, यहाँ पर ट्रू फॉल्स करने हैं, टी लिखना है सभी सही के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट है, और एफ लिखना है जो हमारे यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है यानी फॉल्स हैं। पहला क्या है यहाँ पर, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन हिमाचल प्रदेश, अब ये बताइए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो क्या हिमाचल प्रदेश में, नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अभी हमने कहाँ बताया था, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ये हिंदुस्तान का सबसे पहला क्या है, ये नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स यानी एफ लिख देंगे। सेकेंड क्या है, द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज आर कॉल्ड द शिवालिक, जो हिमालय के फुट हिल हैं, जो सबसे निचला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, शिवालिक कहलाता है, तो ये बेटा ये सही है बच्चों, ठीक है, जहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। थर्ड क्या है, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, क्या सिक्किम की कैपिटल देहरादून है, नहीं, देहरादून सिक्किम की कैपिटल नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स यानी एफ लिखेंगे। फोर्थ क्या है हमारा, द हिमालयाज डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड, जो हमारा हिमालय है ये कह रहे हैं वो हमें ठंडी विंड से नहीं बचाता है, कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थन एशिया, जो एशिया के नॉर्थ पास से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, ये कह रहे हैं उससे हमारा हिमालय हमें बचाता नहीं है, इंडिया में आने देता है मतलब एयर, तो नहीं, हमारा जो इंडिया है वो किससे प्रोटेक्टेड है, हिमालय की वजह से ही बचा हुआ है, वरना बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर, जो एशिया से, नॉर्थ ईस्ट एशिया से हवा आती है वो किसकी वजह से रुकती है, हिमालय की वजह से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस लाइज इन द सिक्किम, अब जो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची, तीसरे नंबर पे जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक आती है, सबसे ऊंची पीक आती है वो क्या सिक्किम के अंदर है, हाँ सिक्किम के अंदर ही है कंचनजंगा, जो कि इंडिया हिमालय की सबसे हाई थर्ड तीसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, तो ये ट्रू है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, टी लिख देंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसे मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ, देखिए ये क्या है, नेम एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से हम, इन पांचों में से हमें किसी तीन को करना था बच्चों, मगर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो मैंने ये पांचों कराती हैं, ठीक है, आप इसे बुक में ही कर लिएगा, तो राइटिंग आपको क्लियर हो इसलिए मैं इसे साफ करीब रख रहा हूँ, थोड़ा देख लिए क्या है, पहला क्या है, रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज, जो हिमालय से नदियाँ बहती हैं उनके नाम बताने हैं हमें, तो जैसे कि इंडस है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्रा, और बहुत सी रिवर इसके अंदर कहाँ से बहती हैं, हिमालय से बहती हैं, तो हमने तीन नाम लिखे हैं, कौन कौन से, इंडस, INDUS, INDUS, इंडस, GANGA, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, BRAH, ब्रह्मपुत्रा, PUTRA, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। फिर नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पीक ऑफ द हिमालयन रेंजेस, हिमालय की, हिमालय रेंज की जो इंपॉर्टेंट पीक हैं,
इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पीक के नाम लिखे हैं, कौन से? कंचनजंगा, KANCHENJUNGA, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, एंड अन्नापूर्णा, ANNA, अन्ना PURNA, ये NA है लास्ट में बच्चों, ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ रही है तो ऐसे ही लिखा है हमने, अन्नापूर्णा PURNA। तो ये क्या हो गई इसकी, दो क्या हो गई हमारी, ये इंपॉर्टेंट पीक हो गई हिमालय रेंज की। फिर तीसरा क्या है, ट्राइब्स ऑफ सिक्किम, सिक्किम के कुछ ट्राइब्स के नाम बताने हैं, तो ये अपनी तरफ से बताने हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ दिया नहीं है बुक के अंदर, तो इसका नाम हमने लिखा है लेपचास और भूतियाज एंड नेपालीज, ये क्या है, ट्राइब्स हैं, सिक्किम के ट्राइब्स हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स हैं यहाँ के, ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो क्या है, LEPCAH लेपचास, फिर दूसरा क्या है, BHUTIAS भूतियाज, यहाँ कॉमा है, और जो तीसरा हमने लिखा है वो एंड क्या है, नेपालीज NEPALIS, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। फिर फोर्थ क्या है हमारा, हिल स्टेशंस इन द हिमाचल, हिमाचल के अंदर हिल स्टेशन जो हैं उसके हमें कुछ नाम बताने हैं, जैसे कि शिमला SHIMLA, शिमला, यहाँ बच्चों ए आएगा शिमला, एंड ये ANDE एंड एक है, फिर डलहौजी, शिमला और डलहौजी SHIM शिमला एंड डलहौजी DALHOUSIE, ठीक है, मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिफ्थ क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नाम बताने हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन आता है, जो सेवन सिस्टर हैं उनके नाम बताने हैं हमें यहाँ पर, ठीक है, सेवन सिस्टर के नाम से कौन कौन सी हैं, आसाम ASAM आसाम, फिर यहाँ पर कॉमा, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ANACHALPRADESH अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर तीसरा कौन सा है, त्रिपुरा TRIPURA, चौथा कौन सा है, नागालैंड NAGALAND नागालैंड, ये एल है बच्चों, ठीक है, नागालैंड, फिर ये कौन सा है, अगला कौन सा है, मणिपुर MANIPUR मणिपुर, ठीक है, PUR, फिर नेक्स्ट क्या है, मेघालय, ये छठा है हमारा, ठीक है, MEGHALYA मेघालय, एंड लास्ट जो है वो है मिजोरम MIZORAM, ठीक है, ये हैश जब बनाते हैं हम, जब कोई वर्ड पहली लाइन में पूरा ना हो पाया और दूसरी लाइन में उसके कुछ वर्ड आ रहे हों तो हम ये बनाते हैं, इसका मतलब ये इसका ही हिस्सा है, ठीक है, तो ये क्या है, MIZORAM मिजोरम, ठीक है, ये एक वर्ड है। तो ये बच्चों आप बुक में करेंगे इसे, अब हम नेक्स्ट ये करते हैं कॉपी में करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कॉपी ओपन कर लिए, और यहाँ पर टॉप पर क्या लिखेंगे आप सब, पार्ट टू, इसे अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पर डेट ज़रूर लिखिएगा, सभी बच्चे डेट लिखेंगे उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, चैप्टर नंबर टू, क्योंकि हमारा चैप्टर टू है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा याद से। उसके बाद द नॉर्थर्न माउंटेन, ये क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है नॉर्थर्न माउंटेन, इसका नाम लिखा, इसे भी अंडरलाइन कर लिए। आप हेडिंग लिखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, हमें सिर्फ यही करना है मैं बच्चों को कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन वन क्या है हमारा, नेम द माउंटेन रेंजेस दैट फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन, माउंटेन रेंजेस के नाम बताओ जो कि नॉर्दर्न माउंटेन को, नॉर्थर्न माउंटेन को बनाता है, जिसकी वजह से नॉर्थर्न माउंटेन बने हुए हैं यानी मौजूद हैं। तो क्या है क्वेश्चन, हमने यहाँ उतारा है, देखो, नेम द नॉर्दर्न, नेम द माउंटेन रेंजेस दैट फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो आंसर क्या है इसका, आंसर फर्स्ट, द माउंटेन रेंजेस दैट फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, हिमालय की जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत सारी हिमालय की रेंज माउंटेन रेंजेस हैं, वही माउंटेन रेंजेस क्या बनाती हैं, नॉर्थर्न माउंटेन्स बनाती हैं, नॉर्थर्न माउंटेन की रेंजेस बनाती हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप सभी कॉपी कर लीजिएगा, अपने कॉपी में साफ साफ लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, यहाँ पर बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर टू, नेम द ग्लेशियर्स फ्रॉम विच रिवर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेटेड, अब उन ग्लेशियर के नाम बताने हैं जो जहाँ से गंगा और यमुना नदी जो है हमारी ओरिजिनेट होती है, मतलब बनती है या ये कह लिए शुरू होती है, निकलती है जहाँ से। तो इसका आंसर क्या है हमारा, गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर गंगोत्री, गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर गंगोत्री से, कौन सी गंगोत्री, कौन सी ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, एंड यमुना फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री YAMUNOTRI, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द टूरिस्ट एंड पिलिग्रिम प्लेसेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर टूरिस्ट और पिलिग्रिम प्लेसेस यानी जगहों के बारे में बताइए जो पिलिग्रिमेज प्लेसेस मानी जाती हैं और टूरिस्ट प्लेसेस मानी जाती हैं, मतलब जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए आप, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। द फेमस टूरिज्म एंड पिलिग्रिम प्लेसेस इंक्लूड, कौन कौन सी हैं इसमें, इंक्लूड मतलब शामिल, इसमें कौन कौन सी आती हैं, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, GANGOTRI गंगोत्री, फिर ये कॉमा है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट क्या है, यमुनोत्री, फिर क्या है, केदारनाथ एंड रानीखेत, RANI RANIKHET रानीखेत। ठीक है बच्चों, ये रानीखेत है, KHET खेत, रानीखेत। ये क्या है, कुछ पिलग्रिम और टूरिज्म प्लेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 क्या है बच्चों, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना है कि वो कैसे रहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया है, देखिए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हमने क्वेश्चन उतार लिया है, क्या है आंसर 4 हमारा, मैन एंड वुमेन वेयर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता। अब हम उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ के आदमी और औरतें क्या करते हैं, लंबे लंबे बुने हुए हाथ से जो बुने हुए वुलन कुर्ते होते हैं, ऊनी कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, कॉल्ड फिरान, जिन्हें हम कहते हैं फिरान, PHIRAN, इन्हें हम क्या कहते हैं, फिरान कहते हैं। ठीक है बच्चों, एंड थोड़ा मैं इसे पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पर क्या है, एंड सलवार, और क्या पहनते हैं, सलवार पहनते हैं। ड्यूरिंग विंटर दे यूज़, और विंटर सीजन में क्या करते हैं, ठंड के सीजन में क्या करते हैं, दे यूज़ कांगरी टू कीप देमसेल्फ वार्म, ये अपने आप को गर्म रखने के लिए कांगरी यूज़ करते हैं। कांगरी एक होता है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह का, वो लोग अपने पास रखते हैं। ठीक है, वो क्या, उससे क्या होता है, ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं। ठीक है, टू कीप देमसेल्फ वार्म इन, कब, ठंड के सीजन में, ठंड के मौसम में। पीपल ड्रिंक कहवा, ये क्या है, के है, KAHWA कहवा। पीपल क्या करते हैं, यहाँ के लोग क्या पीते हैं, कहवा पीते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टी, जो यहाँ की स्पेशल चाय मानी जाती है। ठीक है, फिर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ आर द हिमालयाज इम्पॉर्टेंट टू इंडिया। अभी इम्पॉर्टेंट हमने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बताई हैं हिमालय की, अब उनमें से कुछ 3 ले लेते हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट बतानी है हिमालय की, हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी ज़रूरत क्यों है, इतना ज़्यादा उसकी इज्जत या उसकी वैल्यू क्यों है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो क्या है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन उतारा, हाउ आर द हिमालयाज इंपॉर्टेंट टू इंडिया, फिर यहाँ आंसर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आप इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आर, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज आर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, ये क्या बनाते हैं, नेचुरल बैरियर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, BARRIER बैरियर अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉर्डर्स, ये क्या करते हैं, एक तरह का बैरियर बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, जिससे ये हमें बचाते हैं, हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेकेंड पॉइंट फिर हमने इसका लिखा, सेकेंड इंपॉर्टेंस जो सब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, द रनिंग वाटर ऑफ द रिवर्स हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ का जो बहता हुआ, दौड़ता हुआ, जो तेज़ी से बहता हुआ पानी होता है, उससे क्या मदद मिलती है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, इट इज़ नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल, और ये कुदरती बना हुआ, कुदरती क्या है, जंगली जानवरों का घर है, ये नेचुरल घर है। ठीक है, और कुछ जानवरों के नाम हैं जैसे सच एज स्नो लेपर्ड या टाइगर, राइनोसेरस RHINOCEROS राइनोसेरस, और वाइल्ड याक एंड मैनी काइंड ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 ही पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस किस एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिनका ये नेचुरल होम है। तो ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए बच्चों। ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और ये एक्टिविटी है देखिए यहाँ पर, द हिमालयन रिवर आर पेनिनियर इन नेचर हाउ एंड वाई, ये डिस्कस करना है आपको क्लास में, तो ये आपको अपने आप करना है, और ये एक्टिविटी भी आपको अपने आप करनी है, कॉपी में नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, अपने आप बस इसे एक तरह से डिस्कस करना है, एक बस समझना है एक तरह से। ठीक है, कि ये क्या पूछ रहे हैं और हमें इसका जवाब क्या देना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।